for the footsteps of a child around the world is at risk. इस समय दुनिया के 60 देशों में करीब 6 करोड़ बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, यानी ये किसी भी बच्चे की जान कभी भी ले सकती हैं। मैं एक माँ हूँ, जानती हूँ, बतौर माँ हमें आउटबाउंड के बच्चे को पालना होता है और किसी बारूदी सुरंग का वजन भी इतना ही होता है। मेरा मानना है कि ये मानव इतिहास का एक ऐसा दौर है जब हमें लैंडमाइंस को हटाकर एक ग्रेप वाइन यानी अंगूर की बेल लगानी चाहिए। अगर बारूदी सुरंग की जगह अंगूर की बेल या कोई फल वाला पेड़ लेगा तो भविष्य की पीढ़ियों का पेट भरेगा। कोई पेड़ लगाने से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी होता है, इससे धरती माँ के फेफड़ों में जान पड़ जाएगी जो हम सब की है, और जलवायु का संतुलन भी बहाल होगा डीमाइनिंग, रीप्लांटिंग और दुनिया को फिर से ठीक ठाक करने से। क्योंकि डीमाइनिंग सिर्फ आधी समस्या है, रूट्स ऑफ पीस का पेड़ों को दोबारा लगाने, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर में बड़ा यकीन है और यही हमें मौके नजर आते हैं। जो लोग युद्ध के शिकार इलाकों में रहते हैं उनके लिए जरूरी हैं जॉब्स। अगर हम अफगानिस्तान के इन पुरुषों और महिलाओं को वापस खेतों तक पहुंचा पाएं, अगर तलवारों की जगह प्लो शावर्स और बंदूक की जगह शावर्स ले पाएं, तो रूट्स ऑफ पीस की यही असली उपलब्धि होगी। आइए देखते हैं आज का ये वेबिनार। Welcome to the Catalyst of Change Women Leaders in Science Seminar Series. Leaders in Science में आपका स्वागत है। इसका अनुवाद स्पेनिश, फ्रेंच और हिंदी में उपलब्ध है। अनुवाद को पाने के लिए आप अपने पसंद के ट्रांसलेशन बटन को दबाएं। इस सेमिनार को रिकॉर्ड किया जाएगा और सिमिट की वेबकास्ट पर उपलब्ध होगा। आप लिंक्डइन, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको QR कोड दिखाई देगा जिसके जरिए स्लाइडों से आप सवाल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आज हम ने इनवाइट किया है फूड प्राइस विजेता हाइडी क्वीन को। ये रूट्स फॉर पीस की फाउंडर हैं। आपके प्रेजेंटेशन के बाद आपकी बातचीत होगी डॉक्टर सिग से, जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं सिमिट में। अब मैं सिमिट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ब्रेम को इनवाइट करती हूं कि आप हमारे आज के स्पीकर का स्वागत करें। डीजी साहब, थैंक यू, आपने एक शानदार परिचय दिया और दुनिया भर के लोगों का अभिवादन। हम एक बार फिर कैटलिस्ट ऑफ चेंज वुमेन लीडर्स इन साइंस वेबिनार में स्वागत करते हैं। अब तक आप जान चुके होंगे कि सिमित ये फायर साइड स्टाइल चैट को 2023 से आयोजित करता आ रहा है। हमने ये जाना कि हमें रोल मॉडल्स की जरूरत है। कोशिश है कि आप अपने आप में एक नए नेता का विकास करें। जेंडर बैलेंस के क्षेत्र में हमें महिलाओं को भी बराबर का मौका देना होगा। मैं बहुत खुश हूं कि आज हमने हाइडी क्यून को आमंत्रित किया है, जो आज की 16वीं स्पीकर हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स में आज आमंत्रित लोग हैं उनमें से 16वीं हैं। आपने रूट्स ऑफ पीस की स्थापना की। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो माइन से वाइन्स तक का सफर तय करने में जुटी है। आप युद्ध से तबाह दुनिया को आप एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, ले जाने के कार्य में लगी हैं। आज वर्ड्स ऑफ रूट्स ने
10 लाख से ज्यादा किसानों के जीवन को प्रभावित किया है। आपने अंगोला, अजरबैजान, कंबोडिया, ग्वाटेमाला जैसे बहुत सारे देशों में काम किया है। मेरा विश्वास है कि ये इस अच्छे काम की सिर्फ एक शुरुआत भर है। By planting millions of fruit trees and vines. Actually, you may have युद्ध seen से प्रभावित हुई जमीन को साफ करके उसमें फलों के पेड़ लगाए जा सकेंगे। वर्ल्ड वुमेन्स डे पर आप अपने काम के दौरान आपको एक बारूदी सुरंग के फटने का भी सामना करना पड़ा। Which has covered breaking news stories of US and Soviet relations during the late 1980s and during the perestroika and glasnost. I'm sure we will therefore enjoy a unique story of leadership, a story of मुझे यकीन है कि आज हम एक शानदार लीडरशिप की अनोखी कहानी देखेंगे। Heidi, over to you. Heidi, अब मंच आपका है। इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी महिला को जिन्होंने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए आप अंगोला में गईं। मैं पूरी दुनिया में ग्लोबल लैंडमाइन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंगोला आई हूँ। आप इन बारूदी सुरंगों की जगह अंगूरों की बेल लगाने पर जोर दे रही हैं। हमने अफगानिस्तान में 70 लाख अंगूर की बेलें लगाई हैं और ये खुद इस काम में जुटी हुई हैं, युद्ध के मोर्चे पर भी पहुंच जाती हैं। इन महिलाओं के अपने बच्चे हैं, इनकी अपनी जिंदगियां हैं। हम बच्चों को बताते हैं कि आप किसी ऐसी चीज को ना उठाएं जो दिखने में पत्थर जैसी लगती हो, ये बारूदी सुरंग हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इन बारूदी सुरंगों की वजह से 5500 लोगों की जान जा चुकी है। मैं बारूदी सुरंग की एक शिकार से मिली जिन्होंने अपनी बाई आंख गंवा दी थी। ये जब भी किसी माइंड बारूदी सुरंग वाले इलाके में दाखिल होती हैं, कहीं ना कहीं धमाका होता ही है। लेकिन जब तक इस दुनिया में से सारी बारूदी सुरंगें हटा नहीं दी जाएंगी, मैं अपने काम में जुटी रहूंगी। पिछले साल हाइडी को वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया था। मैं वर्ल्ड फूड प्राइज पाकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही हूँ। इस विचार की शुरुआत मेरे घर से हुई थी, लेकिन आप ये इस विचार को पूरी दुनिया में फैला रही हैं। कमाल का काम कर रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके साथ होना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आप देख सकते हैं कि मैं एक हफ्ते से भी कम समय पहले अंगोला के बारूदी सुरंगों के बीच घूम रही थी। ये बड़ा अहम पल था। ये महिलाएं थीं और इनके साथ काम करते हुए हमसे ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा गया। हमारे साथ एक एम्बुलेंस भी चल रही थी। हम अफगान की माओं के साथ खड़े हैं जो रोजाना निकलते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि उनका परिवार शाम को उन्हें देखेगा या नहीं। वे बहुत मेहनती हैं।
अंगोला में भी बहुत ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा बारूदी सुरंगों वाला देश है, और जैसा कि आपने अभी देखा, मेरे साथ कैरी फाउलर खड़े थे, जिन्होंने 1 फरवरी को एक बहुत ही अनोखे प्रोग्राम की शुरुआत की थी। तो हम मानव के तौर पर अपने पुराने तौर तरीकों की तरफ लौट रहे हैं। ये मामला सॉइल और सोल से जुड़ा है, यानी मिट्टी से और रूह से। अगर हम बारूदी सुरंगों की जगह फलों के पेड़ लगाएंगे तो वो कल को हमारी पीढ़ियों का पेट भरने का जरिया बनेंगे। इससे जलवायु परिवर्तन भी रुकेगा। मेरे ख्याल से पृथ्वी पर ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। मुझे हाल ही में मैग ने बताया कि 60 देशों में करोड़ों लैंडमाइंस अब भी मौजूद हैं। इससे वो जमीन बंधक सी हो जाती है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए वो कुछ नहीं दे सकती, और पृथ्वी का संतुलन भी इससे बिगड़ता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम इस संतुलन को बहाल करें, पूरी दुनिया में ऐसी जगहों पर पेड़ लगाएं, और इससे फूड सिक्योरिटी का मुद्दा भी हल होगा। इसीलिए मैं जोर देती हूँ कि हम जमीन को साफ करके उसमें बीज उगाएं, और फिर वो हजारों साल तक हमारे लिए फायदेमंद बने रहेंगे। मैं इस कॉल को सुनने वाली महिलाओं को सलाम करती हूँ। Well, my family, a very proud American family, came from. मेरा परिवार एक बहुत ही गर्वीला अमेरिकी परिवार है। इन्होंने 1850 के दशक में सैन फ्रांसिस्को के पास 2500 एकड़ जमीन खरीदी थी। लेकिन ये एक वाइल्ड वेस्ट इलाका था, ये पाइनियर्स के लिए था, ये जगह मुश्किल थी, यहाँ मेहनत करनी पड़ती थी, यहाँ रेंचर्स वाला इलाका था। इनका मानना था कि आप जमीन का सम्मान करें, लोगों का सम्मान करें। फिर गोल्ड रश वाले दौर की शुरुआत हुई, 500 चीनी तब आए थे, वो बहुत सारे श्रिम्प चाइना को भेजा करते थे। ये चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं, और जब तक मेरा दौर आया, 1970 के दौर में सैन फ्रांसिस्को एकदम अलग तरह का था, और मैं जूनियर ईयर्स में बड़ी खुशकिस्मत थी कि मुझे एक एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर चुना गया और जापान भेजा गया। लेकिन रोटरी को ज्वाइन करने की दुनिया में महिलाओं को कहीं भी इजाजत नहीं थी। लेकिन ये एक बहुत ही अनोखा अनुभव था। मैंने ये देखा कि दूसरे विश्व युद्ध के जो दुश्मन देश थे वो आपस में दोस्त बने, उन्होंने एक दूसरे के लोगों को सम्मान दिया, और ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने अपने माता पिता को ये बताया कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। फिर मैंने इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सोसाइटी विषय में मेजर किया। तब शांति का दौर था, लेकिन मेरा ये मानना है कि शांति और प्यार की अवधारणा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल ये चीजें बहुत ही कम नजर आती हैं,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम होगा कि हम जमीन से बारूदी सुरंगें निकालें ताकि जमीन फिर से कुछ देना शुरू करे। एक दिन मुझे अलास्का ट्रांसफर किया गया। वहाँ मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। वहाँ 23 घंटे अंधेरा रहता है। और वहाँ से रूस और अमेरिका के बीच के रिश्तों में गर्माहट आनी शुरू हुई। Yeah, so what are you doing? So anyway, fast forward, I ended up the CNN reporter in the Soviet Union after covering the melting of the ice curtain between, again, U.S.-Soviet relations and the Exxon Valdez that hit Blyreath. So, but the challenge there, I was stopped in my tracks. I went to the doctor again, just with a bad... मेरे काम को रोकने की कोशिश की. Surgery, or I wouldn't be around the next year to see my children grow. And I think there's nothing like cancer. तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे सर्वाइकल कैंसर है और वो काफी जानलेवा हो सकता है। मेरे लिए ये बड़ा गंभीर पल था क्योंकि मेरी सर्जरी होनी थी। लेकिन उसके बाद एक दशक बाद मैंने प्रिंसेस डायना को बारूदी सुरंगों के बीच से गुजरते देखा जनवरी 1997 में अंगोला में। मेरे भी उसी उम्र के दो बच्चे थे। मैंने इस ऑपरेशन के बाद इस बच्चे को जन्म दिया था और ये एक मिरेकल था। प्रिंसेस डायना की मृत्यु के बाद उन्होंने मुझसे संपर्क किया। कि क्या मैं उन लोगों के साथ काम करना पसंद करूंगी जो बारूदी सुरंगों के हटाने के काम से जुड़े थे। और तभी मेरे मन में ये आया कि कैंसर एक बारूदी सुरंग है और बारूदी सुरंग जमीन के लिए कैंसर जैसी है। और बस तभी मैंने तय किया कि माइंस की जगह अब लेंगी वाइंस। हम बारूदी सुरंगों को हटाकर अंगूर के बाग लगाएंगे। आप सोच सकते हैं कि तब मेरे चार बच्चे थे जो छोटे छोटे थे, 2 साल से लेकर 12 साल तक, तो ये काम मुश्किल था। कभी कभी आपको लोगों की बातों को सुनना बंद कर देना चाहिए और अपने मन की बात पर ही यकीन करना चाहिए और उसी निश्चय पर आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने रास्ते पर गलतियां करेंगे लेकिन आप अपनी गलतियों से सीखेंगे भी। हमारी दुनिया के एक तिहाई हिस्से पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। Diane Disney Miller, Tor Kenward, Shirley Dean, I mean, legendary vintners, Eric Wente, actually got behind. And they joined me to witness the Ottawa Treaty. बहुत सारी हस्तियों ने मेरा साथ दिया और हमने बारूदी सुरंगों को साफ करने का काम जारी रखा। हमने राजनीति के बजाय सीधे किसानों से संबंध रखना बेहतर समझा, उनके लिए काम करना बेहतर समझा। रॉबर्ट ने हमारे लिए पहला फंडरेजर किया $30,000 के साथ। ये काफी पैसा है। फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट भी आगे आया।
1998 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया फिर जनवरी 2000 में हम क्रोएशिया गए वहाँ 12 लाख बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी जब मैं पहले माइनफील्ड में गई तो मैंने देखा कि जो माइंस को साफ करने वाले हैं उनके चेहरे पर कितनी हताशा और बेचैनी थी लेकिन पुरुष थे या महिलाएं थी उनके दिल में एक निश्चय था कि हम इन बारूदी सुरंगों को साफ करेंगे एक सज्जन थे मियंको गर्गिस वो क्रोएशिया में पैसा हुए थे पहले वहाँ 16-17 वाइनरीज आज वहाँ 600 वाइनरीज हैं उन्होंने बड़े धीरे से काम लिया है मैंने जब उन्हें क्रोएशिया की स्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि चलिए वहाँ चलते हैं मई 2000 की बात है तब मेरी बेटी का 13वां जन्मदिन था मैंने सोचा कि मैं उसे भी साथ लेकर जाती हूँ और हम दोनों वहां गए इस काम के लिए हमने पैसा जमा करना जारी रखा और अब मैं देख रही हूँ कि अब क्रोएशिया सबसे ज्यादा बारूदी सुरंगों वाला देश नहीं है बल्कि यहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है और ऐसा खेती की वजह से हुआ है फिर 11 सितंबर को 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ और हम तब हमें एक और देश के बारे में पता चला ये था अफगानिस्तान हमने यूनिवर्सिटी में पाया था कि अफगानिस्तान अंगूर उगाने वाला नेटिव देश है जब एक लेडी मुझसे मिलने आई तो उनके पास $2 लाख का चेक था And as I've told this story before, I looked at her and I said, you know, Mrs. Miller, who was your father? Looking at the biggest check I had ever seen in my life. And she said, my father was Walt Disney. He knew a thing or two about vision. One day उन्होंने कहा कि मेरे पिता वॉल्ट डिज्नी थे A mouse named Mickey could bring joy and happiness to the world. So that began the demining aspect. And again, that was only half of the problem because the replanting is लेकिन demining सिर्फ आधी समस्या है. Replenishing and restoring the earth. We partnered with UNMAS, the United Nations Mine Action Service, under an incredible. हमने United Nations की Mine Action Service से संपर्क किया. और डायरेक्टर जनरल ने हमारे आइडिया को सपोर्ट किया इसके बाद इस विचार को बल मिलने लगा मेरे पति उस समय डोबी सिस्टम्स के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने उनके मालिकों से एक्रोबेट डिजाइन करने के लिए कहा story. But he joined
joined the effort and through his business acumen. उन्होंने इसे ज्वाइन किया और अपनी बिजनेस की काबिलियत की वजह से वो अच्छा काम कर पाए. स्टीम ने एक फैमिली के तौर पर काम किया. अब मेरी बेटी 19 साल की थी, 13 साल की थी. उसने देखा था कि अगर आप आज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यूरोपियन यूनियन, एशियन डेवलपमेंट वगैरह के और वर्ल्ड बैंक से मिली आर्थिक मदद की वजह से हम अफगानिस्तान में काम कर पा रहे हैं, बेशक हमारे सामने चुनौतियां रही हैं, और ये मेरे करियर का सबसे चुनौती भरा समय भी रहा है, पर इसके बावजूद बात बन पाई है. Opinion about governments anywhere in the world, but you have to work in the government in the country and you're working. And we are employing women. इस बारे में मेरी अपनी राय है, और ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस देश में काम कर रहे हैं. They lay eggs. The eggs provide the protein for the family. The husband goes outside because a woman, of course, can't travel without a mahram, which is a male escort, a brother or father. And he comes back after selling those eggs and treats his wife a little better than he would have when they're starving and destitute. Afghanistan today is 97% unemployment. But looking back, well, Afghanistan mein is samay berozgari ki dar 97% hai. Agricultural marketing program, we were able to help take agricultural exports from 250 million. हम एक प्रोग्राम के जरिए हम वहां से 2014 में $250,000 से उस रकम को बहुत आगे तक ले जा पाए एक्सपोर्ट्स के रूप में. अफगानिस्तान के 80% लोग खेती पर निर्भर करते हैं. हम इस पूरे क्षेत्र से अनार भेजते थे, कंधार से सेब भेजते थे, चेरी भेजते थे, केसर भेजा करते थे पश्चिम से. तो हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं. हम खेती के जरिए शांति को बढ़ाना चाहते हैं. Kaesan, Dongha, Cam Lo, Hamburger Hill. Well, 80% of that land is still contaminated by the explosive remnants of war. लेकिन 80% इलाके में अब भी बारूदी सुरंगें मौजूद हैं. लाओ का भी काफी बड़ा हिस्सा बारूदी सुरंगों की चपेट में है. मेरा बेटा एक दशक से कंट्री डायरेक्टर है वियतनाम में. उसने वहां 2010 में शुरुआत की थी और वहां उसने ब्लैक पेपर की खेती की शुरुआत की, जैसे कि अंगूर उगाए गए. फॉर्मर डीएमजी में पैदा की काली मिर्च दुनिया की बेहतरीन काली मिर्चों में शामिल हैं. आज 10,000 वियतनामी किसान इस बारूदी सुरंग से खाली जमीन पर काली मिर्च उगा रहे हैं. इसके अलावा बात व्यापार की भी है. हम उस काली मिर्च को कई बाजारों में एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें बेचते हैं, स्पाइस कंपनीज को बेचते हैं. आज आपको ये काली मिर्च कई स्टोर्स में मिल जाएगी. इसके अलावा आपको केसर भी नजर आएगी जिन्हें इंटरनेशनल बाजारों में बेचा जा रहा है. इससे किसानों को फायदा होता है. इससे फिर डीमाइन की वैल्यू डीमाइन ये चेन आगे बढ़ रही है. Twice in Qadaba, you know, was one of the most extraordinary.
खरबा एक बहुत ही शानदार वाइन उगाने वाला इलाका है। Prevent that beautiful rich land from being cultivated. So in conclusion, an idea that began, a simple idea. मेरे कहने का मतलब यह है कि एक जिस सीधे साधे विचार की शुरुआत हुई थी माइंस टू वाइंस की, मुझे लगता है कि हमें उसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मैं अमेरिका की छठी पीढ़ी की एक महिला हूं जो चार बच्चों और सात ग्रैंड चिल्ड्रन की दादी भी हैं। मैं चाहती हूं कि यही भावना देश की हर सीमा के आर पार पूरी दुनिया में पहुंचे। शुक्रिया। Sid, would you like to, shall we go into the question and answer period or जब सवालों और जवाबों का दौर शुरू होगा? आपकी बातें, आपकी स्टोरी सुनकर मेरा मन भर आया। मैं सिमेंट में प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। मुझे यकीन है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को आप पर बड़ा नाज होगा शांति कायम करने के लिए हमें लोगों की भूख का इंतजाम करना होगा कि वो भूखे ना रहें। आपकी बातें सुनना बहुत प्रेरक लगा। हम आपकी कुछ रणनीतियों के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत सारी चुनौतियां का सामना किया है। आपने ऐसी कुछ चुनौतियों का सामना कैसे किया? बहुत बहुत शुक्रिया। चुनौतियां बहुत थी। मुझे घर के काम भी करने होते थे और फिर और बच्चों को संभालना होता था, बाहर भी काम करना होता था। और फिर मैं लोगों को आइडिया भी पेश करती थी। मैंने जो कुछ सबक सीखे हैं वो ये हैं कि लोगों की बात सुनिए। मान लीजिए जैसे कि काबुल के उत्तर में शिमाली प्लेन नाम की एक जगह है जो बहुत ही उपजाऊ और खूबसूरत इलाका है, जहाँ अंगूर की 70 इंडिजिनस वैरायटीज हैं। सिविल वॉर, तालिबान फाइटिंग और रूस के हमले की वजह से ये जगहें जानलेवा हो चुकी हैं। डायन डिज्नी मेलर से मिले धन की वजह से, की मदद से हमने वहाँ डी माइनिंग की। लेकिन क्योंकि तीन पीढ़ियों के बीच ज्ञान का ट्रांसफर नहीं हो पाया था, तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि अंगूर की खेती कैसे की जाती है। वो जिस तरह से अंगूरों की उपज लिया करते थे उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलता था। मेरे दिमाग में जब आइडिया आया और उसके बाद मेरे पति अफगानिस्तान गए, तो उन्हें समझ में आया कि ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। और वो बोले कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा, ये सपना सच नहीं हो सकता है। लेकिन वो एक बिजनेस और एंटरप्रेन्योर हैं, तो उन्होंने वहाँ एक नया तरीका विकसित किया जिसमें हम अंगूर की बेलों को ऊंचा कर देते हैं जिससे उपज दोगुनी हो जाती है। इसके लिए पैसा दिया था USAID ने। उन्होंने कहा कि आप हम पर भरोसा कीजिए, हम इन, और
हमें अपनी बात का उन्हें यकीन दिलाना पड़ा, जो कि काफी मुश्किल था। हमने कहा कि हम कुछ महीनों में वापस आएंगे, तब तक ये अंगूर बड़े हो चुके होंगे और वो वापस आए। लेकिन तब तक पेड़ों को काटा जा चुका था। We would have starved and frozen to death. So, an American idea. no wooden trellises. But what we did do is introduce the cement trellis posts. And then the farmers all started adopting the cement. And today it is a legacy throughout Afghanistan. किसानों को हमारी बात समझ में आनी शुरू हुई और आज अफगानिस्तान में ये एक आम बात हो चुकी है कि लकड़ी के पोल्स पर इन बेलों को उठा दिया जाता है, जिससे कीड़े मकोड़े अंगूरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमने कोल्ड स्टोरेज रेफ्रिजरेशन की सुविधाएं बनाई। हमने इन लोगों को फलों को छांटना सिखाया। फिर हमने इन्हें ब्रांड किया अफगान स्वीट ग्रेप्स। कारज़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास फैसिलिटी बनाई गई, एयर कॉरिडोर खोला गया जो जो बड़े बड़े बाजारों तक जाता था। Indian people from India listening to this will know about what's called the Kabuliwalas. Well, that's a folk tale from the 1940s. भारत की एक 1940 की एक कहानी है, 1940 की काबुली वाला, कि वो अफगानिस्तान से कैसे आता है और फल बच्चों को देता है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये कुछ ऐसी बेहतरीन चीजें हैं जो मैंने अमेरिका में पहले कभी नहीं टेस्ट की थी। वहाँ के ज्यादातर लोग बहुत ही काइंड मिलनसार हैं। वैसे तो ऐसे हर देश में ही काम करना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए ये फैसला लेने का पल था कि हम ये काम करना छोड़ें या फिर अपने काम में जुटे रहें। सत्ता को लेकर अस्थिरता पैदा हुई थी। मुझे वो रात आज भी याद है। हम तीसरी मंजिल पर थे और हम सोच रहे थे कि क्या यहाँ से हम बॉस्फोरस खाड़ी में कूद जाएं। हमें इतना डर लग रहा था। तो मैंने अपने कपड़े बदले। हमें नहीं पता था कि ये लोग किसी महिला सीईओ को किस नजर से देखेंगे। पर उन्होंने कहा कि हम आपको एक सीईओ के तौर पर नहीं बल्कि एक माँ के तौर पर देखते हैं जो हमारे बच्चों का पेट भर रही है। सरकार चाहे कोई भी हो, हमें मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये यूएसएआईडी के साथ से चल रहा सबसे लंबा प्रोग्राम है। मैंने इसराइल में भी काम किया है, पैलेस्टाइन में भी काम किया है और वेस्ट बैंक में भी। इस इलाके को होली लैंड कहा जाता है। आज वहाँ बहुत ज्यादा पीड़ा का माहौल है। बेथलहम के बारूदी सुरंगों के से 5 लाख बारूदी सुरंगों को हटाया गया
So I walked up there with Quadro and, you know, grabbed the shepherd who didn't have a hand. He had lost it 1950s to तो मैं वहां गई और मैंने अपने एक चरवाहे को अपने साथ लिया जिसने बारूदी सुरंग की वजह से अपनी एक बाजू गंवा दी थी. Palestinians a decade ago detonated together, and it was really, I'll hold that in my heart forever. You know, what I'm witnessing today is really part of the reason, it was the reason that I got on a plane and flew on International Women's Day to Angola, because I believe so deeply. मैं जानबूझकर International Women's Day पर अंगोला गई थी. And it is our moral responsibility to set in global example, not one country. हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करें, चाहे देश कोई भी हो, हम एक साथ मिलकर चलें और अंगोला की जमीन को बारूदी सुरंगों से आजाद करें. मैं दुआ करती हूँ कि two of those women I should share with you who you saw in the film will be coming to the United States, because I am so proud to co-host with a World Food Prize with a beautiful woman, Mashal Hussein, who I believe was just on your show earlier. And together we have been... आपने अभी पीछे वाले शो में मशाल हुसैन को देखा होगा. वो भी अब आने वाले समारोह में नजर आएंगी. 26 मार्च को हम यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में सीड्स ऑफ इक्विटी प्रोग्राम करने जा रहे हैं. आप इसके लिए रजिस्टर करिए, क्योंकि सिक्योरिटी कारणों से ऐसा करना जरूरी है. ये है peacenoid.org. इसमें के मेंबर्स ऑफ कांग्रेस होंगे और मकसद एक ही है कि दुनिया की शांति के लिए काम किया जाए. ये नवरोज यानी न्यू ईयर का पहला हफ्ता भी होगा और ईस्टर में रमदान भी है और ये दोनों साथ पढ़ रहे हैं. साथ ही हम डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का बर्थडे भी मना रहे हैं. इस दुनिया में पैदा होने वाले बच्चों का ये नैतिक अधिकार है कि उन्हें भरपेट भोजन मिले. अगर लोगों का पेट ही नहीं भरेगा तो फिर वो हताशा में बंदूक ही उठाएंगे. हालांकि काफी कुछ किया जा चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है. The late Secretary General Kofi Annan and Mayor Bloomberg, when I showed them that wall, and I said, this is mines to mine, swords to plowshare, but it was all mudded and covered with ivy. And he said, well, you can raise the... कुछ नेताओं को दुनिया का नक्शा दिखाया था जिसमें बारूदी सुरंगों वाले इलाके थे, तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई थी. And the words of the Isaiah prophecy are as such, may they beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks, so that nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Minds to vine, swords to plowshares. लोगों की कहावत है कि कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ हथियार ना उठाए, उसी से अशांति पनपती है. आपकी ये यात्रा पूरी दुनिया में बहुत ही शानदार रही है. मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग हमारे साथ और ज्यादा जुड़ते जाएंगे. हम नहीं चाहते कि पैसे का आना बंद हो और प्रोग्राम्स बंद हो. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए. मेरी नजरें अब अंगोला पर हैं और मैं चाहती हूँ कि वहाँ खेती का और प्रचार प्रसार हो. जिस दिन मुझे वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, उससे एक दिन पहले वो प्रोग्राम पर उस प्रोग्राम की शुरुआत हुई, उस पर दस्तखत हुए. इसमें अमेरिका, ईयू और एशियन डेवलपमेंट बैंक इस काम में शामिल हैं. जब हम लिबिडो कॉरिडोर बना रहे थे जिसमें हम अंगोला, जाम्बिया और डीआरसी को मिला रहे थे,
60% of the land in Angola, तो डायरेक्टर ने बताया कि अंगोला की 60% जमीन में बारूदी सुरंगें हैं, जबकि वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। हमारी अपील है कि दुनिया डीमाइनिंग के लिए पैसा दे और बंदूकों के बजाय अब फावड़ों को अहमियत दी जाए। जब आप कोई बीज बोते हैं तो आप नीचे झुकते हैं और पूरी नम्रता के साथ उसे बोते हैं। तो हमें अपने घुटनों पर झुकना होगा, पृथ्वी के प्रति झुकना होगा, और ये बिल्कुल सही समय है। हमें माइंस टू वाइंस की दिशा में गंभीरता से काम करना होगा, और हमें अभी बहुत कुछ काम करना है। मैं एक ग्लोबल सिटीजन और एक दादी माँ के तौर पर ये बात कह रही हूँ। यानी सारी बात मिट्टी पर आकर केंद्रित हो जाती है, क्योंकि वो हम सबको आपस में जोड़ती है। लेकिन आज दुनिया में कई जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट है। आपकी विजन बहुत अच्छी है, आपको किसने प्रभावित किया? Coincidence is a miracle in which God prefers to remain anonymous. I would really have to say. इस बात का जवाब देना जरा मुश्किल होगा। I have to say I am so grateful to have more than doubled my life. January 6th is my birthday and I just turned 66 years young. And 6 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है और अब मैं 66 साल की हो चुकी हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कैंसर का सामना किया है, और मुझे नहीं मालूम था कि मैं अगला जन्मदिन मना पाऊंगी कि नहीं। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ अपनी बेटी से, जो मेरे साथ बारूदी सुरंगों वाले इलाके में गई। And went on to become a model of all things with Vogue and check out the Coca-Cola commercial. But it's, you know, she wanted to be a model for peace and the money that she made. Model for peace banna chahti thi. Used to go back to support the girls in Afghanistan and. और वो अफगानिस्तान की लड़कियों को आज भी सपोर्ट करती रहती है। Because it's the mother-daughter. It's about families, respecting the plight of families. And each one of my dear children, Brooks, Tucker, Kylie, and... ऐसी कोशिशों में परिवार का बड़ा महत्व होता है। After surviving cancer and giving birth to a child, because there was no other name for me, you know, it was just a thank you. And I just keep saying, as they say in Afghanistan, Alhamdulillah, you know, thanks be to God. Afghanistan में कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। I can learn some new words in different religions because it is an interfaith path that's going to heal the world. ये धर्मों का एक मिला जुला सा रास्ता है कि सभी संस्कृतियों का सम्मान किया जाए। हमें सिर्फ शांति ट्रीटी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें उसको हकीकत में अमल में लाना भी चाहिए। Still so deeply believe and my family came from Scotland in 1701 and settled in Wiscasset, Maine. So I'm very fortunate to have been selected to be on the which is my next meeting, the Smithsonian. मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे अगली मीटिंग के लिए चुना गया है। इसमें 2026 में अमेरिका के 200वें बर्थडे का टाइम होगा। तो देखते हैं कि अब से तब तक हम कितनी बारूदी सुरंगों को हटा सकते हैं, कितने लोगों का पेट भर सकते हैं। चलिए खेती के जरिए शांति के बीज बोते हैं। The day
मेरे एक मित्र थे जो वियतनाम में मेरे साथ बारूदी सुरंगों से होकर गुजरे. He was in the foreign service officer during the Vietnam War and did what he had वो to. वो वियतनाम वॉर के दौरान फॉरेन सर्विस में थे. वो बारूदी सुरंगों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे. लेकिन वो यूएस एम्बेसडर के तौर पर कंबोडिया लौटे तो उन्हें बारूदी सुरंगों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी है. War Act, right? And for landmines. So, you know, they were all part of that great generation. And I feel so very वो blessed. उस शानदार पीढ़ी का हिस्सा थे. तो मुझे अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से प्रेरणा मिली है. वो मेरे मेंटोर रहे हैं. अमेरिका के लोगों में कमाल के नेतृत्व की क्षमताएं हैं. उनमें जो ज्ञान है उस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. दुनिया हमें देख रही है लेकिन हम और बेहतर कर सकते हैं. मैं बाय हार्ट बाय ट्रेड एक स्टोरी टेलर हूँ. हमारे सोशल मीडिया इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं. मैं अपने जीवन काल में अफ्रीका को बारूदी सुरंगों से मुक्त देखना चाहती हूँ. हम चाहेंगे कि वहाँ सबसे लजीज केले हों, केले उगें और ये शांति खेती के जरिए ही कायम होगी. मैं भी म्यूजिक में मोजाम्बिक में थी और मैं कह सकती हूँ कि शांति से बेहतर कोई चीज नहीं होती है. ऐसी स्थितियों को देखकर आपका विचार बदलता है. अब हम जरा ऑडियंस से कुछ सवाल लेते हैं. और हमने आपकी कहानी सुनी और हम सभी इससे बड़े इंस्पायर्ड हैं. तो आइए आप जरा सवाल लेते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आईटी और डॉक्टर सिख, आपकी बातचीत बहुत ही इंस्पायरिंग रही. अब मैं ऑडियंस के कुछ सवाल लेना चाहूंगी. लोग हाथ उठा सकते हैं और अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या स्लाइडो के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं. आज का पहला सवाल है स्लाइडो से. आपकी इस इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए बहुत शुक्रिया. आपने बेशक चुनौतियों का सामना किया है लेकिन आपको अवसर भी मिले होंगे. तो आप इस सवाल के लिए शुक्रिया. मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ. मुझे वर्ल्ड फूड प्राइज के फंक्शन के दौरान एक वायलेट नाम की लड़की मिली. उन्होंने बताया कि उन्होंने अंगूरों की खेती से आगे बढ़कर रीजनरेटिव फार्मिंग कैसे की. Are still needed. We're not doing an us or them thing that we're not, you know, on this side leaning here left or leaning right. We're going to do this together because, you know, business is business. We can't put people out of business, but we do need to learn from the हमें ये काम मिलकर करना होगा. इसलिए मैं रोजाना कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ और मैं और ज्यादा सीखना चाहती हूँ क्योंकि मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की स्पोक्स पर्सन बनना चाहती हूँ. Walking the fields, and I will continue to learn throughout my life. Thank you. मैं अपने पूरे जीवन सीखती ही रहूंगी. शुक्रिया. People say
बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपनी नाकामियों से भी उतना ही सीखते हैं जितना कामयाबियों से सीखते हैं। आप काफी कामयाब रही हैं, लेकिन क्या बताएंगे कि आपने अपनी नाकामियों और चुनौतियों से क्या सीखा है? चुनौतियां बहुत सारी होती हैं, इस समय भी चुनौतियां हैं। अफगानिस्तान के लिए पैसा तेजी से खत्म हो रहा है। 20 साल से जो लोग मेरे लिए अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, करते रहे हैं, उनको मुझे गुड बाय कहना होगा क्योंकि अब पैसा नहीं है। तो हमें रोजाना ही बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन आपको धीरज रखना होता है, आपको सख्त फैसले लेने के लिए तैयार रहना होता है, आपको निराशा को छोड़कर फिर से आशा के साथ काम करना होता है। मैं चुनौती की क्या बात करूं, कोविड के दौरान मेरी जान जाते आते बची थी, मैं चल नहीं पाती थी। डॉक्टर ने कहा था कि आपको डबल निमोनिया हो गया, या तो डबल निमोनिया मुझे डबल हिप रिप्लेसमेंट से भी गुजरना पड़ा। हर बार एयरपोर्ट से गुजरते हुए सिक्योरिटी मशीन बीप करती थी। लेकिन ऐसी चुनौतियां आपको और मजबूत बनाती हैं। लोग मुझसे अब ये कहते रहते हैं कि आप आइए, हम आपको टेनिस खेलना सिखाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। लेकिन मैं क्या बताऊं कि बारूदी सुरंगों के बीच से उन महिलाओं के साथ गुजरते हुए मुझे कितना अच्छा महसूस हुआ। मेरे लिए परिवार सब कुछ है। हमारी शादी को 47 साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी हार नहीं मानने वाले। शुक्रिया। ये बातचीत बहुत दिलचस्प है। अब महिलाओं के लिए, समाज के लिए, करियर के लिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या सलाह होगी? कभी भी हार मत मानिए, पहली बात। आप मजबूती से कदम उठाइए, दिल की आवाज सुनिए, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो रास्ता बदल दीजिए, दिशा बदल दीजिए। जब मैं 1989 में जा रही थी और बर्लिन की वॉर गिराई जा रही थी, तो मैं थोड़ी चिंतित थी और मेरे पति को चिंता हो रही थी कि हम वैकेशन के दौरान क्या करेंगे। तब मेरे 3 बच्चे थे जो छोटे थे, people live in different parts of the world listening to this, but you know, we're not born in a minefield, we're not born in these places, and we have the ability. Main duniya ke logon ko kehna chahungi ki hum ek aisi jagah paida nahi hue the jahan baroodi surange thi. To jo log aisi jagahon par phanse hue hain, hame unhe wahan se nikalna hoga, hame samaj ke kalyan ke liye kaam karna hoga. What's going on every single day? I haven't had time because I've been up so early for this call. It was started at 6:30 a.m. I haven't even looked at my news feed. I've been preparing for this wonderful. मैं सुबह 6:30 बजे से इस प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रही थी, तो मैं न्यूज क्लिप्स तो नहीं देख पाई हूँ। Pick a spot, a hot spot in the corner of the world, but rather than a sense of apathy, I think we need to have a sense of abundance and proceed accordingly. लेकिन मेरा यही मानना है कि पूरी दुनिया को कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तो डायरेक्टर जनरल की तरफ से हम आप दोनों का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपने विचार हमारे साथ बांटे
आपने अपने अनुभव के बारे में बताया कि आप किस तरह शांति के दूत बने हुए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. हम सारी ऑडियंस का भी शुक्रिया करते हैं. आप अगले कैटलिस्ट ऑफ चेंज को भी शेयर कीजिएगा. मेरे डाडा एक नोटरी हैं और मेरी बड़ी बहन भी एक नोटरी बनने के लिए लॉ पढ़ रही थी, पर मेरी रुचि कई करियर्स में थी. दो या तीन ऐसे फील्ड थे जिनमें मुझे दिलचस्पी नहीं थी, पर और कई में थी. मैंने सोचा कि किसी को तो खेत की देखरेख भी करनी चाहिए, इसलिए मैंने एग्रोनॉमी पढ़ने का फैसला किया. और तब एग्रोनॉमी चुनने की एक बड़ी वजह थी लाइव स्टॉक यानी मवेशी, क्योंकि मुझे उनसे जुड़ी गतिविधि बड़ी पसंद थी. पर जब मैंने एग्रोनॉमी पढ़ना शुरू किया तो तब अर्जेंटीना में खेती से जुड़ी क्रांति शुरू हो चुकी थी और मेरे पिता नो टिल फार्मिंग को आगे बढ़ाने के पीछे मौजूद एक बड़ी ताकत थे. तो उस समय मेरा फोकस भी खेती पर ज्यादा हो गया, क्योंकि तब खेती में ही ज्यादा इनोवेशन हो रहे थे. एप्रिसिल की स्थापना करने वाले प्रोड्यूसर्स के ग्रुप ने उस समय हम युवा लोगों को बुलाया था एक युवा एप्रिसिल से मिलाने के लिए, और हमने उनके साथ सिर्फ अपने देश में ही नहीं पड़ोसी देशों में भी एक्सचेंजेस किए, और ये क्रांति मुझे खेती की दिशा में और आगे ले गई. पर अब मैं इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की तरफ लौट रही हूँ. मैं एप्रिसिड में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी कर रही हूँ, और दूसरे कई संगठनों भी मैंने हिस्सेदारी की है और अब भी करती रहती हूँ. जिन लोगों ने इसका गहराई से अनुभव नहीं किया है, मेरा सुझाव है कि वो ऐसा करें, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलिज्म के जरिए आप किसी इंडिविजुअल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते. ये बड़ा फॉर्मेटिव होता है. इससे जुड़कर आप दूसरों की बात सुनते हैं, समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बातचीत में एक राय बनाते हैं. तो मैं इंस्टीट्यूशनलिज्म की एक बड़ी प्रशंसक हूँ और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन की भी. मेरे लिए एक मिलीजुली कोशिश का हिस्सा बनना किसी सपने जैसा हो गया है, ताकि हर महिला की सीमाएं सिर्फ वही हों जो वो अपने लिए तय करती है. वो ये देखे कि उसकी दिलचस्पी उस चीज में है या नहीं. पर रूरल महिलाएं पर विमेन नेटवर्क बनाना मेरा जुनून सा हो गया है, जिसमें दुनिया भर की महिलाएं जुड़ी होंगी, चाहे उनकी स्थितियां कैसे भी हों, उनके रोल कैसे भी हों, जिनके साथ जोखिम जुड़े हैं और अधिकतम संभावनाएं भी, और फिर भी हम सब साथ, हम एक दूसरे से सीखें, साथ साथ आगे बढ़ें. और मुझे एक और बात भी एक्साइट करती है, और वो आम जन की भलाई के लिए मिलजुल कर काम करना. तो इस सफर के दौरान मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस हकीकत का एहसास होने लगा है. हम अधिकतम संभावनाओं लेकर काम करें, साथ मिलकर काम करें, तो हम निश्चित ही आगे बढ़ पाएंगे और देश का भी कल्याण हो पाएगा. मुझे वाकई इस वास्तविकता का अनुभव होने लगा है. हमारी अगली कैटलिस्ट ऑफ चेंज सीरीज का अगला एपिसोड देखिए 26 मार्च मंगलवार को.